बॉक्स ऑफिस दो हफ्ते में ही ब्लॉकबस्टर, सलमान अक्षय कुमार भी पीछे। वरुण धवन की फिल्म जुड़वा दो धीरे धीरे इस साल की टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है। बता दें सलमान खान की ट्यूबलाइट 121 करोड़ को पीछे कर फिल्म चौथे नंबर पर आ चुकी है। जुड़वा दो ने अब तक कुल 125.84 करोड़ का कलेक्शन किया है 2018 में अक्षय कुमार सलमान का धमाकेदार टक्कर। लेकिन ट्विस्ट एक दिन की कमाई और फिल्म ऋतिक रोशन की काबिल 126 करोड़ को भी पीछे कर देगी। जुड़वा दो ने जहां पहले हफ्ते 98.08 की कमाई की थी, वहीं दूसरे हफ्ते 27.76 करोड़ का कलेक्शन किया है। वरुण धवन के लिए यह किसी रिकॉर्ड से कम नहीं। उन्होंने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान सभी सितारों को बॉक्स ऑफिस पर पीछे किया है। इस साल वरुण की दोनों फिल्में सुपरहिट रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जुड़वा दो शाहरुख खान की रईस को पीछे कर पाती है। 511.30 करोड़ के साथ बाहुबली दो साल 2017 की सबसे बड़ी फिल्म है। शाहरुख खान की रईस 139 करोड़ के साथ साल की पहली 100 करोड़ी फिल्म बनी थी। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भी 133.60 करोड़ की कमाई कर चुकी है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। रईस के साथ रिलीज ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल ने भी 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी। वरुण धवन की फिल्म जुड़वा दो ने दो हफ्तों में 125.84 करोड़ की कमाई कर ली है। सलमान खान की ट्यूबलाइट हालांकि एवरेज रही, लेकिन फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। ट्यूबलाइट ने 121 करोड़ की कमाई की थी। अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म जॉली एलएलबी दो ने भी 117 करोड़ की कमाई की थी। आलिया भट्ट, वरुण धवन भी 116 करोड़ की कलेक्शन के साथ इस क्लब में शामिल है।